है मुश्किल तो जल्दी ही सही। आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले। मैं एमबी सिंह पंवार, लोको पायलट मेल से मैंने जो है 33 साल की नौकरी पूरी करी है और अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। और 33 साल का जो है मेरा रेल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और कई तरह का जो है उतार चढ़ाव आया सर्विस के दौरान। और इसमें जो है बीच में मेरे फैमिली, मेरी मिसेज और मेरे बच्चों का जो है काफ़ी योगदान रहा, जिससे मैं अपनी सर्विस जो है सफलतापूर्वक मैंने पूरी करी है। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। मैं ससीवाला पंवार हूँ, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और मेरा तो अपना ये कहना है कि हम लोग दोनों सर्विस वाले थे, हम लोगों को नौकरी पीरियड में बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, पर हमने अपने आप को आपस में काफ़ी कोऑपरेट किया। हस्बैंड भी मेरी ऐसी नौकरी पे थे कि रात को जाना, तीसरे दिन आना, चौथे दिन आना, मेरे बच्चे भी थे, छोटे छोटे ही थे, पर आज अच्छे हैं। उस समय तो बड़ी परेशानियाँ होती थी, जब आते थे तो कभी ये देखते थे, कभी मैं देखती थी। मैंने भी बहुत पहाड़ों की जगह नौकरी करी है, उसी समय हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। अब तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिटायर हो रहे हैं हम लोगों को। मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी 33 साल की नौकरी पूरी कर ली और अब कुछ मन में आया है कि मैं BRS ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि मेरे को अब और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें। पापा मेरे रिटायर हो रहे हैं अब, 33 साल की सर्विस रही है उनकी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं हमारे लिए जब ड्यूटी से। वैसे तो जब बचपन में हमें पता ही नहीं रहता था पापा कब आ रहे हैं ड्यूटी से, कब ड्यूटी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद टाइम ऐसा निकल गया कि पता ही नहीं चला आज हम इतने बड़े हो गए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनकी 33 ईयर्स की सर्विस अब एंड हो रही है और उन्होंने अपना जो सर्विस पीरियड है बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और अब यही चाहता हूँ कि बस वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें और अपना मम्मी को जो वो टाइम नहीं दे पाते थे अपनी ड्यूटी में, तो वो अब टाइम वो दे पाएंगे, अपना घूम सकते हैं, फिर सकते हैं अपनी, क्योंकि ड्यूटी में तो अपना बहुत पंक्चुअल थे। फादर इन लॉ है जिनका रिटायरमेंट हो रहा है, एंड वी आर सो हैप्पी कि वो अपना टेन्योर सक्सेसफुली कंप्लीट करके अब घर पे रहेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, बिकॉज उनकी सर्विस ऐसी रही है कि फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था। और मैंने इन 3 सालों में ये देखा है पापा अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा पंचुअल रहे हैं। अगर 4 बजे जाना है, 4 बजे की ट्रेन है, तो उन्हें 2 घंटे पहले घर से वो निकल जाते थे। तो इट्स वेरी गुड टू सी कि हाँ, बहुत पंचुअल इंसान के साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं, एंड आई जस्ट विश हिम अ वेरी गुड हेल्थ इन द फ्यूचर, एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम टू गिव फैमिली टाइम ऑल्सो नाउ, सो इट्स गुड एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हिम। मेरे फादर आज रिटायर हो रहे हैं रेलवे से।
सो उन्होंने 33 इयर्स की जॉब अपनी सक्सेसफुली पूरी कर ली है एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी. हैप्पी इसलिए बिकॉज उनका खुद का मन था ये रिटायरमेंट लेने का, बिकॉज वो बहुत टाइम से यू नो चाह रहे थे रिटायरमेंट लेना, क्योंकि फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ जॉब, क्योंकि जॉब इतनी हार्ड है और पूरा टाइम उसमें देना पड़ता है. ऑल्सो माई फादर हैज़ बीन वेरी पंचुअल अपनी जॉब लाइफ में एंड उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो यही है कि बींग पंचुअल एंड अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहना सीखा है हमेशा से, बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट इन हिज लाइफ एंड यू नो हार्टली टच्ड विद हिज जॉब. उनको बहुत प्यारी अपनी जॉब है. अब ये लग रहा है कि कैसे रहेंगे घर पे एंड यू नो बहुत मिस करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स, अपनी उस दूसरी फैमिली को, अपनी जॉब को. I'm not afraid.